कानपुर देहात में भारतीय दलित पैंथर व अम्बेडकरवादी सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जन्मदिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष पैंथर धनीराम बौद्ध व भारतीय दलित पैंथर के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतनाम दूध रहे मलखानपुर अम्बेडकर पार्क में हाजी फैजान सहित धनीराम पैंथर ने लोगों को संबोधित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्षों के विषय पर लोगों को बताया। शोभा यात्रा में रसूलाबाद कोतवाल मुकेश कुमार सोलंकी सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। मामला रसूलाबाद कस्बे का है। मेरा नाम धनीराम पैंथर है, मैं दलित पैंथर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज शोभा यात्रा जो निकाली गई है बाबा साहब के यानी नेतृत्व जन्मदिन को लेकर, क्या उद्देश्य था और कहाँ तक गई? आज मेन उद्देश्य जो है समाज में अम्बेडकर वाद माना है, संविधान को जन जन में पहुँचाना है और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है, लेकिन ये अम्बेडकर माह है, पूरे अप्रैल में बाबा साहब का जन्म दिवस देश में नहीं विश्व में मनाया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।